हाँ, तो एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स हम लोग देख रहे थे कि इसमें आता है लेंथ। एग्जाम्पल लेते हैं लेंथ। लेंथ एक क्वांटिटी है, ठीक है, इसका यूनिट का नाम है मीटर, सिंबल क्या है एम। दूसरा लेते हैं मास। मास का क्या है यूनिट? किलोग्राम। सिंबल क्या है? केजी। तीसरा है टाइम, समय, क्या है? सेकंड। किसे यूनिट करते हैं? एस। चौथा लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? एम्पियर। ए से डिनोट करता है। ऐसे ही बहुत सारे हैं, जैसे है टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर केल्विन, के से डिनोट करता है। ऐसे ही बहुत सारे यूनिट्स हैं जिनके बारे में आगे और भी पढ़ने को मिलेगा। अब कुछ ऐसे बड़े अमाउंट होते हैं जिनको हम लोग एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, लिखने में दिक्कत होती है, जो 10 के पावर में होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। उनके लिए कुछ हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं, उन प्रीफिक्स के बारे में जानेंगे। तो अगला हमारा टॉपिक है SI प्रीफिक्स। SI प्रीफिक्स जैसे हम लोग यहां पर लेते हैं पावर ऑफ 10 लेते हैं, प्रीफिक्स लेते हैं, सिंबल लेते हैं। टेन टू पावर 18, इसे क्या बोलते हैं? इसका प्रीफिक्स है एक्सा, ठीक है। इसे किस सिंबल से नोट करते हैं? ई। टेन के पावर जो 15 में होगा उसे बोलेंगे पेटा, इसे नोट करेंगे पी। टेन टू पावर 12 में होगा उसे बोलेंगे टेरा, इसका होता है टी। 10 के पावर जो 9 में होता है उसे बोलेंगे गीगा, ये होता है जी। 10 के पावर 3 में जो होता है 6, 10 के पावर 6 में जो होता है मेगा, इसे क्या डिनोट करते हैं? एम। किलो, 10 के पावर 3 ये होता है किलो, इसे डिनोट करते हैं के से, ठीक है। ऐसे ही और भी होते हैं, जैसे 10^-1, 10^-3, इसे बोलते हैं मिली, इसे लिखते हैं स्मॉल एम। 10^-6, इसे बोलते हैं माइक्रो, इसे लिखते हैं म्यू, ठीक है। 10^-9, इसे बोलते हैं नैनो, इसे लिखते हैं स्मॉल एन। 10^-12 ये बोलते हैं पीको, लिखते हैं स्मॉल पी, ठीक है। इतना काफ़ी है।